हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। माय नेम इज़ विपिन गुप्ता, आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर। टुडे आई एम गोइंग टू न्यू टॉपिक प्रोपोर्शंस। हम लोगों ने रेशियो ख़त्म किया है, नाउ प्रोपोर्शंस। सबसे पहले ये मीनिंग देखते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर तो आपने क्या चेक किया, फोर नॉन जीरो क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन और इन प्रोपोर्शनल इफ A is to B as C is to D। याद रखना, जब दो रेशियो होते हैं ए बी और ये सी डी लिया है, ठीक है, A is to B के बराबर होता है C is to D, तब हम बोलते हैं ये प्रोपोर्शंस हैं। इसको जनरली एक तरीके से और रिप्लेस लिखा जाता है, इक्वल की पोजीशन पर रेशियो वाले सिंबल को हम लोग वर्टिकल में दो एक और लगा देते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको रीड कैसे करते हैं, ए इज टू बी एज सी इज टू डी। अब छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट चाहो तो आप बुक में ही अंडरलाइन कर सकते हो, नहीं तो आप इनके नोट्स बना सकते हो। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, इन ए इज टू बी एज सी इज टू डी। पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट, इसके अंदर भी क्या है, ए बी सी डी आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द प्रोपोर्शन वेयर ए फर्स्ट टर्म, बी सेकंड टर्म, सी थर्ड टर्म एंड डी फोर्थ टर्म। तो इनका एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है और इन सीक्वेंस में ही हमने इन चीज़ों को पढ़ना होता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे पहले लिखा है ए, जो सबसे एंड में लिखा है डी, ये हमारे एंड टर्म है, ई एंड डी एंड टर्म है, जहाँ एंड होते हैं। इनको एक्सट्रीम टर्म्स भी बोलते हैं, A and D are extreme terms, whereas B and C are called mean, ये middle term, बीच के है ना, middle term बोलते हैं इनको। तो आप याद रखेंगे कि अगर A is to B as C is to D कहीं लिखा है तो A और D आपके extreme term होंगे and C बी एंड सी आपके मिडिल टर्म होंगे, ठीक है। इस बात को आपने याद रखना है। एक और फिर पार्ट है, अगर आपके पास ऐसा ही लिखा है ए इज टू बी एस सी इज टू डी, तो एक खास बात हो सकती है कि जैसे तो आपने ए ओवर बी, भाई ए इज टू बी का मतलब ए ओवर बी होता है, इक्वल टू लिखा है सी ओवर डी। अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ए की मल्टीप्लाई डी के साथ हो जाएगी और बी की मल्टीप्लाई सी के साथ हो जाएगी। तो यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला भी बन सकता है, क्या कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन या मिडिल टर्म। ये फॉर्मूला याद रखना, इंपॉर्टेंट है, यूज हो जाता है। अब थर्ड पॉइंट, In A is to B as C is to D, the fourth term D is called fourth proportional। Important line है ये, fourth proportional किसको कहते हैं, जो D term है उसको हमेशा हम लोग fourth proportional बोलते हैं। अब fourth point में read कर रहा हूँ, In A is to B as C is to D, quantities A, B must be of same kind with the same units। A, B जो पहला रेशियो लिखा है
उनका नेचर बिल्कुल एक ही होना चाहिए। अगर वो वेट की बात कर रहे हैं या फिर वो मास की बात कर रहे हैं या फिर वो रुपीस की बात कर रहे हैं, लीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, एज की बात कर रहे हैं, जैसे मदर, फादर, सन, फादर, ऐसे मतलब कुछ भी, तो उनका रिलेशन एक जैसा होना चाहिए, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए। दूसरे सिनेरियो में सी और डी सेपरेटली हैं, वो भी सेम काइंड के होने चाहिए, ठीक है, जिनकी यूनिट बिल्कुल सेम होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल लिया है, पहले ए और बी की पोजीशन पर केजी में लिखा है 5 kg 15 kg, उनका रेशियो है 5:15 मीन्स 1/3, वो अलग बात है। दूसरा लिखा है रुपीज़ में 75 rupees to 225, अगर इसका भी रेशियो चेक करेंगे तो 1:3 है, तो रेशियो तो 1:3 रहेगा दोनों का ही, तभी तो इक्वल है, लेकिन एक तरफ मास में चल रहा है क्योंकि केजी लिखा है और दूसरी तरफ क्या चल रहा है, रुपीज़ में चल रहा है, ठीक है। तो आप हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, अब यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटीज आएंगी या जितने भी टर्म आएंगे सभी के सभी एक ही यूनिट में होंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आया पहला जो मैं बता रहा हूँ, आप उसको लिख सकते हो, और पहली लाइन अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, थ्री नॉन जीरो क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थ्री लिखा है, फोर नहीं है इस बार, थ्री नॉन जीरो क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड एंड इन द सेम यूनिट आर सेड टू बी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। सपोज आपके पास नंबर है ए बी सी, आप कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखना है, कैसे लिखोगे आप, एज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी, दैट्स इट, तो तीन हो गए ना, ए बी सी, ए बी सी यूज करके आपने प्रोपोर्शन बनाना है, यही वाला प्रोपोर्शन, ठीक है। प्रोपोर्शन मतलब आपको पता चल गया ए बी और सी डी ऐसा होता है, लेकिन आपके पास तीन नंबर हैं वो इसका मतलब कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, उनको बनाना है तो कैसे बनाओगे, ए बी और फिर वही बी रिपीट हो जाएगा तो बी सी हो जाएगा, तो ए बी बी सी, एज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, या फिर एज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी। जैसे कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है इसके अंदर, मान लो आपके पास कई सारे नंबर है ए बी सी डी ई एफ ऐसे कुछ वाले, और उनको अगर कंटिन्यू प्रोपोर्शन में लिखना है, तो अगर आपके पास ए बी सी डी ई ऐसे डॉट डॉट कई सारे नंबर है, तो देखो यहाँ पर बिल्कुल व्यवस्था लिखी बनाई हुई है, ए बी फिर उसका लिंक होना चाहिए बी, तो बी सी हो गया, फिर उसका लिंक होना चाहिए सी तो सी डी हो गया, फिर लिंक होना चाहिए अगले वाले में तो डी ई हो गया, फिर अगला होता तो डी ई एफ होता, तो ऐसे ही आप चलते रहेंगे, ठीक है। ए बी सी आर कॉल्ड कंटिन्यू प्रोपोर्शन, जो लिखा हुआ है इतना हम समझ चुके हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी, वो सही है, एज टू बी, मैं डायरेक्ट अगर ए बी बोलते तो आप समझ जाओ बेटा, ठीक है, एज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी। हेयर सेकेंड क्वांटिटी बी इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शनल, अंडरलाइन करो इस लाइन को भाई, मीन प्रोपोर्शनल किसको कहते हैं, कि आपके पास कंटिन्यू प्रोपोर्शन चल रहा है, ए बी सी नंबर है तीन, तो बीच वाला टर्म आपके पास मीन प्रोपोर्शन कहलाता है इस टाइम, क्योंकि जब आपके पास ए बी सी डी चार टर्म थे तो बी और सी को हमने मिडल बोला था या मीन बोला था, लेकिन इस बार कर ऐसा अलग है, इस बार आपके पास नंबर है तीन ए बी सी और कंटिन्यू प्रोपोर्शन में, वो तो बी सिंगल क्वांटिटी है, बी बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो है तो सिंगल ही, तो बी को हम लोग क्या बोलेंगे, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड सी, वेयर थर्ड क्वांटिटी, अब इसमें थर्ड क्वांटिटी क्या है, सी है, जिसको हम लोग थर्ड प्रोपोर्शनल बोलते हैं, सही है। फोर्थ प्रोपोर्शनल आपने हेडिंग किया था, ये देखो मैं फिर से आपको यहाँ पहुँचा देता हूँ, ये देखो फोर्थ प्रोपोर्शन, ये कब आया था, फोर्थ प्रोपोर्शनल कब आया था, जब आपके पास चार नंबर थे एज टू बी इज इक्वल टू सी टू डी, तो डी इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब आपके पास नंबर कितने हैं, तीन, एज टू बी इज इक्वल टू बी टू सी, तो सी वाला टर्म क्या कहलाएगा आपका, थर्ड प्रोपोर्शनल, सी इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ टू ए एंड बी। आई होप आपको इतना सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप कुछ एग्जाम्पल वगैरह देखते हैं तो और अच्छे से आइडिया लगेगा। तो यहाँ पर मैंने तीन न्यूमेरिकल लिए हैं ये, और तीनों का एक एक पार्ट सॉल्व कर लेता हूँ। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ पर तीन नंबर लिखे नहीं लिखे, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या हो गया, चौथा वाला चाहिए, मतलब ए बी सी लिखा है डी चाहिए उसको, तो क्या फंडा हो सकता है, ए ओवर बी
इज इक्वल टू सी ओवर डी। तो मैंने सेकेंड पार्ट किया है, तो 3a ओवर 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर ओवर x, x मेरा टारगेट है। इनको सॉल्व कर दोगे, कटिंग करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। सेकंड पार्ट देखते हैं, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू। अब यहाँ पर सिर्फ दो नंबर यूज हुए हैं, तो पहला नंबर मैंने इस बार में ना फर्स्ट न्यूमेरिकल किया है। इस बार इसमें लिखा है 2 and 2/3 and 4, तो 2 2/3 को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको हम लोग 3 2 6 6 2 8, एक्चुअल में एक नंबर है आपके पास 8/3 और दूसरा नंबर है 4, ये दो नंबर है। और यहाँ मुझे थर्ड प्रोपोर्शनल चाहिए, जब दो नंबर हैं तो थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे भाई, ए बी सी, तो सी आपके पास थर्ड प्रोपोर्शनल है, तो कैसे लिखोगे, ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। आओ, ए की पोजीशन है 8/3, बी की पोजीशन है 4, ओके, फिर अगेन बी की पोजीशन है 4 और सी की पोजीशन पे फाइंड करना है, तो सी लिख दिया मैंने ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8/3 की मल्टीप्लाई हम लोग सी से करेंगे, 4 का हो जाएगा 16, 8 से 16 कट करेंगे 2 आ जाएगा, 3 से 6 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, सी की वैल्यू आ गई 6 और आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। थर्ड न्यूमेरिकल बात करते हैं अब, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, मीन प्रोपोर्शनल की बात हो रही है, दो नंबर हैं ए बी, मतलब ए और सी है, मिडिल मीन क्या होता है बी एस टाइम, क्योंकि कंटिन्यू प्रोपोर्शन की बात हो रही है, तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन को कैसे लिखेंगे, ए इज टू बी एंड बी इज टू सी, हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बी स्क्वायर की बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर की वैल्यू इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, उन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया तो माइनस का 24 स्क्वायर रूट 3 दोनों कट गए, एक प्लस का एक माइनस का, 48 माइनस 36 आंसर 12, स्क्वायर रूट लगा देंगे तो 12 का स्क्वायर रूट 4 इंटू 3 हम अंदर कर सकते हैं, 4 का हो जाएगा स्क्वायर रूट 2, 3 का 3 रह जाएगा, प्लस माइनस का यहाँ चक्कर नहीं है, प्लस ही आएगा क्योंकि सारी क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव थी, तो रेशियो में तो वो सेम चीज़ आनी चाहिए थी, दैट्स वाई, क्योंकि 6 प्लस 3 रूट 3 क्या पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही चाहिए हर चीज़। ठीक है, ओके, कुछ न्यूमेरिकल और भी हैं, फोर्थ न्यूमेरिकल आप लोग रीड कर रहे हैं, करो, इफ एक्स प्लस 5 इज द मीन प्रोपोर्शनल, इफ एक्स प्लस 5 इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन एक्स प्लस 2 एंड एक्स प्लस 9, ठीक है, ये दो नंबर के बीच का अगर मीन प्रोपोर्शनल है, मतलब समझ गए आप, तीन नंबर है तो ए बी बी सी कंटिन्यू प्रोपोर्शन की बात हो रही है, वही किया है मैंने, तो एक्स प्लस 2 है आपकी ए की पोजीशन, बी की पोजीशन है एक्स प्लस 5 लिखा है, फिर रिपीट होता है बी, तो एक्स प्लस 5 और डिवाइड में एक्स प्लस 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सॉल्व करोगे एक्स की वैल्यू 7 आ गई, न्यूमेरिकल सॉल्व। नाउ फिफ्थ न्यूमेरिकल, इफ एक्स स्क्वायर 4 एंड 9 आर द कंटिन्यू प्रोपोर्शन, फाइंड एक्स, तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन का क्या मीनिंग है, एक्स स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 4 ओवर 9, वही लिखा है मैंने, ये देखो, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 16 ओवर 9, स्क्वायर रूट लगा दोगे तो 4 ओवर 3 मिल जाएगा, प्लस माइनस का चक्कर नहीं क्योंकि सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, इसलिए आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा, सही ना। अब एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप की न्यूमेरिकल लिया मैंने, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 6 15 20 एंड 43 टू मेक दैम प्रोपोर्शनल, ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन आए तो हम क्या करेंगे, लेट एक्स नंबर टू बी एडेड टू ईच नंबर, सभी नंबर के साथ अगर हम एक्स ऐड करेंगे तो 6 15 20 और 43 में अगर हम लोग एक्स ऐड करने जा रहे हैं एक्स को, तो सिचुएशन क्या बनेगी देख लेते हैं, कंटिन्यू इनको प्रोपोर्शन में लिखते हैं पहले, तो 6 प्लस एक्स 15 प्लस एक्स हो गया, फिर 20 प्लस एक्स 43 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सॉल्व करोगे एक्स की वैल्यू आ गई 3। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड बाय।